हेलो गाइस, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करने वाला है आप लोगों को। अगर आप मेरा रेगुलर व्यूअर हैं तो डेफिनेटली आज का जो वीडियो है दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक कुमार साहू, करियर कोच, आपका स्वागत करता हूँ आज का एक नया वीडियो में। आज मेरे साथ हैं एक कैंडिडेट जो जा रहे हैं मालदीव, ठीक है, वो हैं हिमाचल प्रदेश से। आप समझ सकते हैं हिमाचल हैदराबाद से कितना दूर है, ठीक है, और उनका विश्वास के लिए उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं जो उन्होंने मेरे ऊपर एक विश्वास जताया और उतना दूर से यहां अप्लाई किया और आज जाने से पहले आके मेरे से मिलने आए हैं। ठीक है, अभी तक ना मेरे को जानते थे ना पहचानते थे, सिर्फ यूट्यूब चैनल देख के वो मुझे विश्वास करने लगे और अपना प्रोफाइल मेरे को दिए कि मेरे को भी हेल्प कर दीजिए, क्योंकि मैं पिछले 3-4 साल से लगा हुआ हूँ लेकिन जॉब कहीं पर हो नहीं रहा है। तो मैंने कहा ठीक है, कोशिश करेंगे, और कोशिश भी रंग लाई। उन्होंने बहुत मेहनत किया अपने लिए प्रोफाइल बनाने के लिए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं क्योंकि जॉब इजीली नहीं मिलता दोस्तों। और आज देशराज जो है मेरे साथ हैं। अगर आपको आज का हमारा वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर देशराज का जो मेहनत है दोस्तों, उतना दूर से हिमाचल से हैदराबाद आए हैं, ठीक है, फ्लाइट में रात को दिल्ली से आए हैं, रात को 3 बजे करीब पहुंचे हैं हैदराबाद, उसके बाद ऑफिस में आए हैं अभी, मैं भी मतलब अर्ली मॉर्निंग आया हूँ उनको ड्रॉप करने के लिए एयरपोर्ट। तो अभी मेरे साथ में है दोस्तों, वो आप देख सकते हैं, ये हैं अपना देशराज। तो देशराज, आप अपना एक्सपीरियंस बताएंगे देशराज, मेरा व्यूअर्स लोगों के साथ में, कि क्या एक्सपीरियंस रहा हमारे साथ आपका। और हेलो दोस्तों, सर के साथ तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। 11 महीनों में मेरा एक्चुअली काम हो गया, 20 में कोविड का था तो फ्लाइटें बंद हो गई। इससे पहले मैंने 4 साल अपने बर्बाद किए हैं, कभी जलंधर कभी दिल्ली, तो आज जाके मेरा यहाँ पे काम हुआ है। तो आज मैं जा रहा हूँ मालदीव, तो मैं सर को बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूँ जी। तो देखिए, इनका इनका चेहरे पे आप देख सकते हैं जो मासूमियत है, मतलब इतना दिन का मेहनत दोस्तों फाइनली रंग लाई है, ठीक है। और इनको मेरे ऊपर विश्वास नहीं था पहले, क्योंकि देखिए किसी को विश्वास करना इतना आसान नहीं है क्योंकि इसमें पैसा इन्वॉल्व होते हैं, और जो भी नौकरी करने जाते हैं दोस्तों वो सब मिडिल फैमिली से होते हैं, मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं, और उनके लिए पैसा जुगाड़ना इतना आसान नहीं होता, ठीक है। अगर आप भी मिडिल फैमिली से होंगे तो पता चलता होगा, आप मेरा कई वीडियो देखते हैं जिसमें लोग अपना पैसा लुटा देते हैं, मतलब लुटा देते हैं सेंस, लोग उनको मतलब फ्रॉड कर जाते हैं, पैसा ले लेते हैं, काम भी नहीं करते हैं, और कई लोग तो हैं अपना पैसा लोन से भी लाते हैं। हाँ, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कई बार कि जो एजेंट थे, कभी उन्होंने मेरा मेडिकल करवा दिया 3,000-5,000, तो ऐसे, तो फिर मैंने उनको बाद में कॉल करने की सर क्या हुआ नहीं हुआ, तो ऐसे भी एजेंट है यहाँ पे। मैं सीधा बता देता हूँ, चंडीगढ़ में ऐसे एजेंट है, जलंधर में ऐसे एजेंट भरे पड़े हुए जो कि बंदों को बेवकूफ बनाते हैं, और मैं भी कई बार बेवकूफ बना हूँ। पर सर की मैंने वीडियो देखी तो उसी दिन मैंने सर को रात को ही मैसेज कर दिया कि सर मेरा भी काम कराओ और आज मैं जा रहा हूँ मालदीव। तो देखिए दोस्तों, ये इनका विश्वास ही है और आप लोगों का विश्वास है जो मुझे आज मतलब मैक्सिमम लोग मतलब विश्वास करते हैं जी, और उनमें से देशराज एक हैं और आज देशराज जा रहे हैं। हमें इनका अच्छा भविष्य के लिए कामना करना है। आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, आप सब इनको कंग्रेचुलेशन जरूर कहिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में, ताकि इनको भी एक मोटिवेशन मिले दोस्तों, और आप लोग को भी मोटिवेशन जरूर मिलेगा। देशराज का जो मेहनत है आज रंग लाई है, 4 साल के बाद कहीं ना कहीं इनको आज खुशी जरूर हो रही होगी। आपका परिवार वाले खुश होंगे? खुश है बहुत। एक्चुअली मेरे परिवार वाले बहुत परेशान थे, कभी मैं दिल्ली जा रहा हूँ मंडी से, कभी मैं जलंधर जा रहा हूँ, ठीक है, तो वो भी परेशान हो गए थे कि तेरा काम हो गया, उन्होंने भी मेरे को मना कर दी, पर मुझे सर के ऊपर विश्वास था कि नहीं मैं जाऊंगा तो मैं जरूर जाऊंगा, और आज मैं जा रहा हूं। तो देखिए दोस्तों, ये है विश्वास, यू नो, जब आप किसी के ऊपर ट्रस्ट करते हैं। और मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा जो भी मतलब एजेंसी चलाते हैं या जो भी एजेंट हैं, उन सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यार किसी के इमोशंस पे मत खेलिए। जी जी बिल्कुल, ठीक है। जब कोई नौकरी के लिए आता है ना और आप पैसा का चार्ज करते हैं तो प्लीज उनका काम करा के दीजिए, ठीक है। मैं एजेंट बिल्कुल नहीं हूं, ना मैं, मेरा एजेंसी है, मैं तो करियर प्लानर हूं, लेकिन हाँ मैं इतना रिस्क जरूर लेता हूं कि मेरा जो भी कैंडिडेट आके मेरे से जो काउंसलिंग लेते हैं, मैं उनको मतलब इतना कोशिश करता हूं कि उनका नौकरी पक्का हो जाए, ताकि वो जाएं अपना जिंदगी बनाए, अपना करियर बनाए दोस्तों। सैलरी मेरे हाथ में नहीं है, सैलरी देगा कंपनी वाला, ठीक है। मेरा काम इतना ही है कि आपको सही वीजा मिले, सही टिकट मिले, सही जगह आपको जॉब मिले, ताकि आप अपना करियर अपना जिंदगी बना सकें। तो बस दोस्तों, अगर आपको आज का ये हमारा वीडियो अगर मोटिवेट किया हो थोड़ा बहुत, देशराज का अगर मेहनत आपको थोड़ा बहुत मतलब मोटिवेट किया हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा यार। जी बिल्कुल बिल्कुल, शेयर एंड लाइक एंड सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा जी। हमने हिमाचल के वासियों को बोलना चाहूंगा कि आप भी
सर का साथ दें, सर को सपोर्ट करें जी। थैंक यू। ठीक है, इनका कहना है कि हिमाचल में जो भी मुझे देख रहे हो, ठीक है, आप विश्वास कर सकते हैं, आप सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है, और थैंक यू देशराज आपका मेहनत के लिए। ठीक है, आप जाके अच्छा करें, जिंदगी में आगे बढ़ें, आपका करियर अच्छा हो। थैंक यू सर। ठीक है, सो थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नया वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सब रखें अपना ख्याल और मुझे दें इजाजत। थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।